सर लगातार सर लंगर सेवा यहाँ चालू है, तो क्या रिस्पॉन्स है, मतलब भीड़ बढ़ रही है पहले से? देखो जी, भीड़ तो आपके पास ज़्यादा ही बढ़ रही है कुछ, क्योंकि पिछले दिनों जैसे लॉकडाउन की वजह से मतलब कई डेथें ऐसी होगी जिनका गुमनाम ही है, मतलब तो उनकी वजह से हर आदमी सोचता है कि पितर मतलब पितरों को हमारे शांति मिल जाए, इस वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 20 दिन लेट भी है पितृपक्ष मेला के, सारे त्यौहार ही लेट हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि गर्मी कम है, मतलब जैसे यहाँ सारा दिन बरसात ही पड़ रही है, आज बरसात नहीं पड़ी लेकिन लगातार बरसात हो रही है। लेकिन ये भगवान की कृपा है, जब भी कभी पितृपक्ष का मेला होता है तभी बरसात पड़ती है, इसका मतलब कि पितरों की यहाँ प्रॉपर मतलब कृपा है। लेकिन सबसे बात एक समझने वाली ये है कि जो भी यहाँ मतलब ग्याजी में आता है वो एक ना एक दिन जरूर बीमार हो जाता है। अगर मान लो वो 3 दिन की पूजा करवाएगा, एक ना एक दिन 2 दिन बीमार जरूर होगा, क्योंकि यहाँ मतलब गैबी शक्तियाँ फिर रही हैं, जिसको हम भूत प्रेत नहीं कह सकते लेकिन है सबके पितर ही, क्योंकि हर आदमी यहाँ अपने दिमाग से पैदल हो जाता है। जैसे यहाँ कुछ आएगा हमारे से ले लो, मांगेगा कुछ, बात कुछ करेगा, कहाँ की कहाँ बात छोड़ देगा। जैसे कोई मतलब मान लो चाय पीगा, ग्लास कहीं छोड़ देगा, मतलब या मतलब प्लेट है वो कहाँ छोड़ देगा। ये पितरों की क्रोपी भी है आदमी के ऊपर, पितरों की क्रोपी भी है कि कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजाने में बहुत गलतियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पितृपक्ष मेले में आते हैं लेकिन वो मतलब पाप उल्टा मोल ले जाते हैं, ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि मतलब उनका पितृ दोष का हल ही नहीं होता। लेकिन उन लोगों को भी मतलब ये सोचना चाहिए कि हम मतलब हल करके जाएं। इतनी दूर से आदमी आता है, इतने पैसे खर्च के आता है, मतलब अगर 3 दिन के लिए आता है, 5 दिन के लिए आता है, तो उसको ढंग से करना चाहिए ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, उनको करना चाहिए, मतलब ये सबके लिए ही है, ये नहीं कि हमारे लिए, सबके लिए। अगर कोई करता है तो सबको ही फायदा होता है पितरों का, लेकिन जो करेगा उसको ज़्यादा फायदा होगा। सर आपने लगातार मोर्चा संभाला हुआ लंगर सेवा का, लेकिन वो शुरू से संभाल रहे हैं ना, 9 सालों से, ये कोई आज पहला दिन थोड़ी है। अगर मान लो हम 9 साल से चला रहे हैं तो 9 साल से चल ही रहा, मतलब सिर्फ लॉकडाउन में 1 साल नहीं चला था, उसके लिए लगातार चल रहा है हमारा। तो बठिंडा से सर बिहार मतलब बहुत दूर है ये तो मतलब परमात्मा की, ये पितरों ने सेवा लेनी है, ये पितरों की कृपा है हमारे ऊपर। अगर पितर जिस दिन कृपा निकाल लेंगे उस दिन ये खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। उनकी कृपा है जो भी कुछ है, मतलब प्रॉपर सर खाना मिलेगा तीनों टाइम लोगों को। जब से मतलब जैसे हम 5 बजे शुरू लेके रात के 11 बजे तक हमारा कुछ ना कुछ चलते रहता है, मतलब टी टाइम के टी टाइम, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब चाय के साथ नाश्ता जो भी है, मतलब चलते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं, ये हमारे कहने से कुछ नहीं होता, अपनी बुढ़ियाई से क्या हो जाएगा, लोग जब कहते हैं उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी बस। हम देख रहे लोग बड़े दूर दूर से आ रखे हैं लेकिन खाना बहुत पसंद आ रहा है लोगों को जो यहाँ रुके। लेकिन यहाँ खाना मिलता नहीं ना जी, यहाँ लोगों को खाना बनाना नहीं आता समझ लो, या मिलता नहीं, दोनों बातें ही हैं। या मतलब हम तो फ्री में बांट रहे हैं, ना कोई पैसा दे के राजी है बाजार में, मतलब लेकिन बाजार में ढंग का खाना नहीं मिलता। लेकिन वैसे सभी मेले जहाँ कहीं भी मेला लगता है ऐसे ही खाने मिलते हैं, तो अगर हम मतलब इसकी मतलब ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। मतलब सर 14 तारीख तक चालू रहेगी सेवा, 15 तक 15 को पहला नराता है, लेकिन 15 को कुछ लोग रह जाते हैं, उनके लिए भी हम खाने का इंतजाम करके जाएंगे। मतलब सर आप हरियाणा से आए हैं, आपने बताया, तो आप धर्मशाला में रुके हैं, आपको यहाँ की लंगर सेवा कैसी लगी? लंगर का बहुत बढ़िया है जी, जितना कहो उतना ही बहुत बढ़िया है। हम 3 दिन से जहाँ 4 दिन से रुके हुए हैं, अच्छा लंगर, नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह और रोटी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जितना भी है इन्होंने बहुत 10-12 साल से आ रहे हैं जी, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है इन्होंने, इतनी दूर से इतना प्रबंध, हर एक आदमी का बस का रोग नहीं जी। हाँ हाँ, वहाँ सरसा काला वाली मंडी जिला सरसा के रहने वाले हैं, 4 दिन से जहाँ रुके हैं, कल हमारा लास्ट कलकत्ता जाना है। हम कलकत्ता गंगा सागर और वो कलकत्ता काली माता का मंदिर। खाना पसंद आ रहा है ना आपको? हाँ, खाना बहुत बढ़िया जी, खाना इससे बढ़िया तो मिल ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं जी, और अपनी पूरी लगन मेहनत से काम कर रहे हैं जो सेवादार हैं, जहाँ इनके साथ हेल्पर हैं, हैं इससे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता जी, बहुत बढ़िया। और कल की हमारी रवानगी है कलकत्ता। सर आप ये बताइए यहाँ का खाना कैसे लग रहा है आप लोगों को? खाना तो पूछो ही मत, जितनी बड़ाई करें उतना ही कम। पहली बार हम लॉकडाउन से पहले यहाँ आए थे पितृपक्ष के लिए, कर्म कराने के लिए, तभी हमारी प्रधान जी से मित्रता हुई और उससे हम सेवा हर साल सेवा में यहाँ आते हैं, सिर्फ सेवा के लिए। खाने की सुविधा पूरी मिलती है ना? खाने की सुविधा पूरी नहीं, हम सेवा के लिए आते हैं और लोगों को हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सुविधा मिले,
कोई असुविधा ना हो किसी को। बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और सब टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मेंटेन है सब कुछ। कब आए यहाँ पे? हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे। हाँ जी जी बिल्कुल, प्रॉपर टाइम टू टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। बहुत बढ़िया खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत बढ़िया। मतलब टाइम हम जम्मू से आए हैं और यहाँ पे मतलब मैं बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है उन्होंने, टाइम टू टाइम हर चीज़ मिल रही है, जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं वो लंच में अलग, फिर डिनर में अलग, बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छी आइटम मिलती है यहाँ पे, बहुत सुविधाएं, बहुत अच्छा। बताना जरा आपको लंगर सेवा कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इनका, बहुत बहुत बढ़िया देखा हमने, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मेहरबानी लोग। नहीं सर कुछ नहीं आया था, बहुत बढ़िया, फोर्थ टाइम लोग खा रहे हैं और बहुत बढ़िया खा रहे हैं। बाहर तो नहीं लगता ये खाना है? नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ना बाहर ऐसा खाना मिल ही नहीं सकता, ऐसा मिल ही नहीं सकता। कोई परेशानी वगैरह नहीं सर, कोई ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है आपकी सुविधा जो बहुत है, बहुत अच्छी लग रही है सब। खाना वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा करते बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर का डिनर बहुत अच्छा। हाँ सब आपके लांगरी भी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग यहाँ मतलब आज ही आए हैं? आप लोग आज ही आए हैं पहली बार। लंगर सेवा यहाँ सब चालू है, बठिंडा से ही यहाँ पे लंगर सेवा चालू है। बिल्कुल। खाना वगैरह खाया अभी आपने? नहीं खाया नहीं अभी। खाना है? सुविधा मिल रही है वैसे धर्मशाला में? हाँ सुविधा है। कहाँ से आए सर आप लोग? खन्ना लुधियाना। लुधियाना कैसे है सुविधा सर? ठीक है, बढ़िया। लंगर भी यहाँ तीनों टाइम चालू है यहाँ, क्योंकि पंजाब के हलवाई लगे हैं सर यहाँ। नहीं वो तो बात ठीक है, मैं पहली बार आ रहा हूँ ना, पहली बार ले रहा हूँ।